गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, वेलकम टू द डेली डिवोशन, दिन भर की रोटी। और एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं आप सबका आज के सुबह स्वागत करता हूं परमेश्वर की प्रेजेंस में, मेरे प्रिय। और आज 29 मई 2021 के लिए हम अपने वायदे के वचन को लेने के लिए एक बार फिर से परमेश्वर की प्रेजेंस में है, परमेश्वर की उपस्थिति में है। और आज जो वायदे का वचन, प्रतिज्ञा वचन परमेश्वर मुझसे और आपसे कह रहे हैं, वो एक बहुत ही सुंदर वचन है जो हमको मिलता है पहला कुरिन्थियों की पत्री उसके दूसरे अध्याय और उसके 9 पद के अंदर। पहला कुरिन्थियों उसका दूसरा अध्याय और उसका 9 पद, जहां इस प्रकार से लिखा है, मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं। परंतु जैसा लिखा है, जो बातें आंखों ने नहीं देखी, कानों ने नहीं सुनी, जो मनुष्य के चित्त में भी नहीं चढ़ी, वे ही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं सुंदर वचन के लिए। और मैं आपको बताना चाहता हूं, इंग्लिश में जहां पर लिखा है इस बात को, इस वचन को, फॉर दोज हु लव हिम, हालेलुया। वो बातें जो आंख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी और मनुष्य के चित्त में भी नहीं चढ़ी हैं, जो परमेश्वर ने किन के लिए तैयार की हैं, किन के लिए तैयार की हैं, फॉर दोज हु लव हिम, उनके लिए जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, हालेलुया। परमेश्वर ने वो बातें किसके लिए तैयार की है? परमेश्वर ने वो बातें उनके लिए तैयार की हैं जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं। और यूहन्ना 14:15 में हम देखते हैं परमेश्वर से प्रेम रखना क्या है। परमेश्वर से प्रेम रखना है उसकी आज्ञाओं को मानना है। प्रभु ने कहा, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को तुम मानोगे। हालेलुया। हम उन बातों को जब तक नहीं देख सकते, जब तक हम परमेश्वर के वचन को पूरा ना करें, सारे आज्ञाओं को पूरा ना करें। जब व्यवस्था विवरण की पुस्तक को हमने देखा था, 28 अध्याय में लिखा था, सब आज्ञाएं जो है हमको मानने की जरूरत है, सब आज्ञाएं हमको मानने की जरूरत है। हालेलुया। जब हम परमेश्वर की सब आज्ञाओं को मानते हैं तो हम इस वचन को, इस वायदे को, इस प्रतिज्ञा को अपने जीवन में पूरा होते हुए देखते हैं कि जो बात आंख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी और मनुष्य के चित्त में भी नहीं चढ़ी, वो ही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों के लिए तैयार की है। हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं मेरे प्रियो। अब्राहम ने परमेश्वर की आज्ञा को माना और अब्राहम जो है वो महान महान बातें देख पाया जो उसने कभी सोचा भी नहीं था, उसके चित्त में भी वो बातें नहीं चढ़ी थी। हालेलुया। जब मूसा ने आज्ञा को माना तो मूसा भी अपने जीवन में बड़ी और अद्भुत गवाहियों को देख पाया। हालेलुया। बड़ी आशीषों को वो देख पाया, परमेश्वर के लिए इस्तेमाल हो पाया जब उसने परमेश्वर की आज्ञा को माना। दाऊद ने जब परमेश्वर की आज्ञा को माना तो दाऊद अपने जीवन में अद्भुत गवाहियों को देख पाया। हालेलुया। दाऊद का जीवन परमेश्वर ने गवाहियों से भर दिया। हमने पूरी बाइबल में बहुत सारी जगह पर बहुत सारे लोगों के उदाहरणों को देखा, जहां कहीं लोगों ने परमेश्वर की आज्ञा को माना वहां लोग जो हैं वो आशीषित हुए और वो ऐसी बड़ी बड़ी और अद्भुत गवाहियों को देख पाए, अद्भुत बातों को देख पाए जो आंख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी और उनके चित्त में भी कभी नहीं चढ़ी थी, जो परमेश्वर ने उनके जीवन में की, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर से प्रेम रखा। हालेलुया। परमेश्वर ने वो बातें उनके लिए तैयार की जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं। हालेलुया। जो उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, क्योंकि परमेश्वर से प्रेम रखना उसकी आज्ञाओं को मानना है, यही प्रभु यीशु मसीह ने हमें एक्सप्लेन करके बताया है। और मैं बाइबल में से एक उदाहरण जो है इस समय आपके लिए पढ़ रहा हूं। बाइबल के अंदर जब हम इस हाक के बारे में पढ़ते हैं, उत्पत्ति की पुस्तक और उसके 26 अध्याय के अंदर जब हम पढ़ते हैं मेरे प्रियो, तो वहां पर जब हम पहले 1 पद से लेकर 6 पद तक पढ़ते हैं तो वहां लिखा है, उत्पत्ति की पुस्तक 26 अध्याय 1 पद से, उस देश में अकाल पड़ा, यह उस पहले अकाल से अलग था जो अब्राहम के दिनों में पड़ा था, इसलिए इसहाक गरार को फलिश्तीनियों के राजा अबीमेलेक के पास गया
वहां यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मिस्र में मत जा। यहोवा ने इसहाक को एक आज्ञा दी और एक बात को कहा कि मिस्र में मत जा, जो देश मैं तुझे बताऊंगा उसी में रह, तू इसी देश में रहे। हालेलुया। गरार में ही रहने के लिए इसहाक को परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर ने इसहाक को कहा कि तू इसी देश में रहे और मैं तेरे संग रहूंगा और तुझे आशीष दूंगा और ये सब देश मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा और जो शपथ मैंने तेरे पिता अब्राहम से खाई थी उसे मैं पूरी करूंगा। मैं तेरे वंश को आकाश के तारागण के समान करूंगा और मैं तेरे वंश को ये सब देश दूंगा और सारी पृथ्वी की सारी जातियां तेरे वंश के कारण अपने को धन्य मानेंगी क्योंकि अब्राहम ने मेरी मानी। हालेलुया। क्योंकि अब्राहम ने मेरी मानी इसलिए, हालेलुया, क्योंकि उसने मेरी बात को माना, क्योंकि उसने मेरी आज्ञा को माना, क्योंकि अब्राहम ने मेरी मानी और जो मैंने उसे सौंपा था उसको और मेरी आज्ञाओं और विधियों और व्यवस्था का पालन किया, इस कारण से। हालेलुया। और जिस प्रकार इसहाक को भी परमेश्वर ने कहा कि तू जो है दूसरे देश मत जाना, मिस्र मत जाना और तू जो है इसी देश में रहना, तू गरार में ही रहना। और जब आप छठे पद को देखते हैं तो छठे पद में जो बात परमेश्वर ने इसहाक से कही, हालेलुया, जो बात परमेश्वर ने इसहाक से कही, इसहाक ने परमेश्वर की उस बात को जो है माना। और छठे पद में उत्पत्ति की पुस्तक 26 अध्याय और छठे पद के अंदर देखिए यहां पर लिखा है, और इसहाक गरार में रह गया। हालेलुया। उसने बात को मान लिया और वो गरार में ही रह गया, उसने बात को माना। और जब उसने इस बात को माना तो उसका क्या परिणाम हुआ, क्योंकि उसने परमेश्वर से प्रेम रखा इसलिए उसने उसकी आज्ञा को माना, उसकी बात को माना और फिर उसने वो बड़ी अद्भुत गवाहियों को देखा जो आंख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी और मनुष्य के चित्त में भी नहीं उतरी। हालेलुया। जो परमेश्वर ने अपने आज्ञा मानने वालों के लिए, अपने से प्रेम रखने वालों के लिए तैयार करके रखी हुई थी, उस आशीष को इसहाक ने अपने जीवन में देखा। और जब हम 12 पद से इसी अध्याय के उत्पत्ति के 26 अध्याय के 12 पद को देखते हैं, 12, 13 और 14 पद, वहां पर देखिए वो आशीष आ गई है। यहां लिखा है, फिर इसहाक ने उस देश में जोता बोया। कौन से देश में? जिसमें अकाल पड़ा था, जहां की जमीन बंजर थी। हालेलुया। जहां पर फसल नहीं पैदा हो सकती थी वहां पर इसहाक ने उस देश में बोया और उसी वर्ष में 100 गुना फल पाया। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। उस देश में, हालेलुया, जहां अकाल पड़ा था, जहां बंजर जमीन थी, जहां फसल पैदा नहीं हो सकती थी, उस देश में जब इसहाक ने बोया, उस आज्ञा को मानकर जब वो गरार में ही रह गया और जब उसने उस देश में बोया तो लिखा है उसने 100 गुना फल पाया। हालेलुया। और यहोवा ने उसको आशीष दी और वह बढ़ा। जब हम यहोवा की आज्ञा को मानते हैं तो हम बढ़ते हैं। हालेलुया। लिखा है, और वह बढ़ा और उसकी उन्नति होती चली गई। क्या आप बढ़ना चाहते हो? क्या आप चाहते हो कि आपकी उन्नति होती चली जाए? तो यहोवा की सब आज्ञाओं को आपको मानना है, तब यहोवा की सब आज्ञाओं को हमको मानना है। हालेलुया। वह बड़ा और उसकी उन्नति होती चली गई और यहां तक कि वह अति महान पुरुष हो गया। हालेलुया। अति महान पुरुष वो हो गया। जब उसके भेड़ बकरी गाय बैल और बहुत से दास दासियां हुई तब पलिश्ती जो थे वो उससे ढा करने लगे। परमेश्वर ने उसको बहुत तायत के साथ आशीष दी, बहुत तायत के साथ आशीष दी। हालेलुया। ऐसी आशीष, ऐसी ग्रेट थिंग्स जो आंख ने नहीं देखी थी और कान ने नहीं सुनी थी और इसहाक के चित्त में भी नहीं चढ़ी थी, लेकिन जब उसने आज्ञा को माना और वो मिस्र नहीं गया और गरार में ही रह गया, हालेलुया, उसने 100 गुना फल पाया और बहुत सारी आशीषें परमेश्वर ने उसको दी। वो एक महान, अति महान पुरुष हो गया, वो बड़ा और हालेलुया, उसने उसकी उन्नति होती चली गई। ओ हालेलुया, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं मेरे प्रियो। अगर हम भी इस रिजल्ट को देखना चाहते हैं, अगर हम भी इस वचन को अपने जीवन में पूरा होते हुए देखना चाहते हैं जो हमने कभी सोचा भी नहीं, ऐसी बड़ी और अद्भुत आशीष, अगर हम चाहते हैं, हालेलुया,
हालेलुया। तो हमें जो है वो परमेश्वर से प्रेम रखना है, क्योंकि परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए, फॉर दोज हु लव हिम, हालेलुया, उनके लिए परमेश्वर ने इन चीजों को तैयार किया है। उससे प्रेम रखना क्या है? उसकी आज्ञाओं को मानना, हालेलुया। तो उसकी आज्ञाओं को माने, परमेश्वर आपको बहुतायत के साथ आशीष दे मेरे प्रियो, हालेलुया। और आज के इस डेली डिवोशन में जो प्रश्न मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, वो यही प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि कैसे ये वायदा जो आज हमने सीखा है कि जो बात आंख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी और मनुष्य के चित्त में भी नहीं चढ़ी, वही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। तो ये वायदा हमारे जीवन में कैसे पूरा हो सकता है? इसहाक ने क्या किया कि इसहाक ने वो ग्रेट थिंग्स को देखा, तो हम क्या करें ताकि हम भी इसहाक की तरह वो ग्रेट थिंग्स को अपनी लाइफ में देख पाए, उन महान गवाहियों को अपनी लाइफ में देख पाए, हमें क्या करने की जरूरत है? जरूर कमेंट कर YouTube पर ही इसी वीडियो के नीचे अपने आंसर को जरूर दे। परमेश्वर आप सबको बहुत तायत के साथ आशीष दे। गॉड ब्लेस यू एंड थैंक यू।